जय नमस्तु। तत् चिन्द्यानन्दिमा चेन्निनन्दिशः परमितत्पदविन्दिप नमियोऽसि पिशवः गुरुवे श्रीपतिर्गुपतिर्यानिशैकात् तारिणितरणि समर्थिमुनि गुरु संसार निवास धर्म चित्त चिन्वर ही अर्थ त्यर्थ जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान फल देव को गुरु को धर्म को साची को वारंवार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज तत्त्वं च परम तत्त्वं परमप्पा परम भावदर्शिये परम जिनं परमेष्ठि नमाम्यं परम देवि देवस्य। बोलिए श्री पंच परमेष्ठि भगवान की जय। परमाराजवाणी सदगुरु संत तारण स्वामी और सर्वज्ञ भगवान की अमृत में यह ज्ञान में रसा यह श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज है जहाँ अपन निरंतर आचार्य श्रीमचिन तारण स्वामी द्वारा रचित श्री कमलवती श्री ग्रंथ का अध्ययन स्वाध्याय चिंतन मनन करके अपने मोक्ष का या फिर ये कहें सम्यक दर्शन का मार्ग बना रहे हैं, क्योंकि आत्म सुख गुरुजनों ने अंतर में बताया और अज्ञानी जीव इस सुख को बाहर खोज रहा है। अटपटी सी बात है कि आत्म सुख को ज्ञानी जनों ने अंतर में कहा है कि वह परम सुख आनंद अतीन्द्रिय सुख का जो प्याला है वो अंतर में है, और बात ऐसी है कि ये जीव ढूंढ रहा है बाहर, अंदर की वस्तु को बाहर ढूंढना है, ढूंढा जा रहा है, कब तक मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तो इस मार्ग को जो आचार्य श्रीमद् जिनतारण स्वामी ने दिया है, इस मार्ग को समझ के अपने को अंदर की ओर बढ़ना है। बाहर का परिणमन जो परिणमन में चल रहा है वो तो है ही निश्चित, अपने को इस मार्ग को समझ के अंदर की ओर आगे बढ़ना है। अपने अंदर की सच्ची समझ को प्रकट करना है, अपने अंदर सही समझ उत्पन्न, अपने अंदर में सही श्रद्धान उत्पन्न, अपन सत्य श्रद्धान को जान पाए, अपने अंदर में सत्य का बोध हो गया, इस सत्य को समझना। तो यहाँ अपन चर्चा कर रहे हैं भैया गाथा नंबर 15। आचार्य श्रीमद् जिनतारण स्वामी कहते हैं आवंबम ना चावंतम। अभी इतना विस्तार है इस शब्द का आवंबम ना चावंतम कि हम आपको 2-3-4 घंटे सुनाते रहना तो इसका विस्तार खत्म नहीं हो रहा। आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं आप ब्रह्म में मत चकरा। अब बात तो इतनी चल रही है कि आप ब्रह्म कहोगे किसे आप, बस। तो अपन भैया परिभाषा बोलने में तो कितनी अच्छी लगती है कि अपने आत्म स्वभाव से अपने ब्रह्म स्वभाव से जो कुछ भी बाहर है वो सब आवरण। कितनी सरलता से बोल दिया, लेकिन एक बार इसका विचार तो करो क्या कि अपने स्वभाव से जो कुछ भी बाहर है वो आब्रह्म है। तो अपन 24 घंटे बाहर ही बाहर घूम रहे हैं, मतलब अपन 24 घंटे आब्रह्म में परिणमन कर रहे हैं। अब बता कोई आपसे कहे दुराचारी, अब वो शब्द नहीं कह रहे हम, यदि कोई आपसे कहे कि दुराचारी हो आप दिन रात दुराचार कर रहे हो तो आप मानो। कोई यदि आपसे कह रहे हैं आप दुराचारी हो
दिन रात दुराचार में लीन हो, दुराचार में ही लगे हुए हो, तो आप मानोगे? कहले बिल्कुल नहीं मानेंगे भाई। अच्छा क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि हम तो सदाचारी हैं, हमारे जीवन में तो भैया सही क्या बोलते हैं, बाहर में सदाचार है, ये सब सदाचार है भैया। भैया हम संयम से रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, दुकान मकान चला रहे हैं, बढ़िया व्यवस्थित मंदिर जा रहा है, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहा है, बढ़िया। हम तो भैया बहुत सदाचार में जीवन जी रहे हैं, हम दुराचारी कैसे? आपके कहने से कैसे मान लेंगे? अच्छा क्या कहना भैया, सदाचार की परिभाषा क्या है? कहना शुभ का परिणमन जो हो रहा है सदाचार है हमारा, सदाचार में जीवन। लेकिन भैया यहाँ गुरु महाशय कह रहे हैं आवम्बम न चावंतम, तुम आवरम्भ के चक्रव्यूह को तोड़ो, और आवरम्भ में चक्राने रूप जो भावना है उस चक्रव्यूह को तोड़ के उन भावनाओं से बाहर निकलो। आवरम्भ में चक्राने वाली भावना है ना, उन आवरम्भ की भावनाओं को, आवरम्भ की भावना के चक्रव्यूह को तोड़ो, और मैं ज्ञान मात्र सत्ता हूं ऐसे चैतन्य में आत्मा की जो अंतर सुरत है उसको जागृत करो, उस अंतर स्वभाव की साधना को ग्रहण करो, अच्छा तत्व का श्रद्धान करो। अब आपसे कह रहे हैं भैया आप या हम, एक ही बात है, अपने से कह रहे हैं गुरु महाराज क्या आवम्बम ना चावंतम। तो पहले परिभाषा पूछो भैया, क्या आवरम्भ की परिभाषा क्या है? तो आगम कहेगा भैया जीव चेतन लक्षण में अनंत गुण में शक्ति से बाहर अर्थात उससे विपरीत जितना भी परिणमन है वो पंच इंद्रिय विषय भोग से लेके हर एक परिणमन, हर एक पर्याय जो स्वभाव से विमुख है, स्वभाव से विपरीत है, मिथ्या मति मिथ्या ज्ञान में जितनी भी पर्याय है वह सारी पर्याय ही आभ्रम है। अब ये परिभाषा बोलो आप, आभ्रम की परिभाषा क्या भैया? ब्रह्म स्वभाव से बाहर जो कुछ भी वो आभ्रम। अब भगवान आत्मा, अब आप भैया ब्रह्मचारी होना चाहते हो, अब आप सदाचारी होना चाहते हो, तो अब आप इस परिभाषा को नोट करो भैया। आपने बोल दी परिभाषा कि ब्रह्म स्वभाव से जो कुछ भी बाहर है वो सब आभ्रम है। अब आपने इस परिभाषा को बोल दिया, अब आप विचार करो कि वास्तव में यदि ब्रह्म स्वभाव से बाहर सब जो कुछ भी है वो सब आभ्रम है, तो भगवान आत्मा मेरा जीवन कहाँ है, मैं कहाँ जी रहा हूं? मेरी दृष्टि कहाँ है, मेरा उपयोग कहाँ लगा है? और देखो देखो मेरा दृष्टि कहाँ है, मेरा उपयोग कहाँ लगा है, ये विचार तो ज्ञानी को करना चाहिए। लेकिन अज्ञानी को तो मेरी दृष्टि कहाँ है, मेरा विवेक कहाँ है, मैं भेद ज्ञान कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, उसे तो मोक्ष मार्ग से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो आब्रह्म की भावनाओं को बढ़ाने वाले कृत करेगा, वो टीवी देखेगा, वीडियो देखेगा, मोबाइल में अश्लील, अब मतलब उसका पूरा जीवन ही वासनाओं में परिणमित होगा। जो अज्ञानी है, जो मिथ्या दृष्टि है, वो तो बी कथाओं और व्यसनों के लिए ललायत रहेगा, वो उनके साधन जुटाएगा। वो जो जीव व्यसनी है, पापी है, वो तो उनके साधन जुटाएगा नहीं। जो अज्ञानी है ना, जिसे व्यसनों की लोलुपता है ना, जो भोग आशक्ति में डूबा हुआ है ना, वो तो विचार ही नहीं करेगा, वो तो इस सत्य को विचार नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो आप ब्रह्म के रस में रसीला हो रहा है, और भैया उसे तो बोल ही रही है कि इस आप ब्रह्म से अलग, इस बाहरी प्रपंच से अलग, इससे अलग कोई और शक्ति है, कोई सत्ता है, कोई चेतना है। संसारी जीव को तो इस सबसे कोई मतलब ही नहीं भैया, तो वो उससे विचार नहीं करवा सकते। आप सोचो कि किसी संसारी जीव से, किसी पापी जीव से विचार करा ले कि भगवान जी देखो अपन आप ब्रह्म में परिणमन कर रहे हैं, वो नहीं करेगा ये विचार। वो क्या करेगा? वो तो आप ब्रह्म के संसाधनों को खोजेगा, आप ब्रह्म की योजनाएं बनाएगा, रुचि पूर्वक, जिसने रुचि पूर्वक टीवी खोली है उसके परिणाम आप ब्रह्म के होंगे, ये बात नहीं है, उसके परिणाम में आप ब्रह्म ही है तो ही टीवी खोली है। और यदि आप ब्रह्म में परिणाम नहीं होते टीवी खुलती नहीं, टीवी खुली है या मोबाइल वीडियो कुछ भी, एक चीज बोल देते हैं, यदि किसी ने पेपर उठाया है तो उसके परिणाम में ही राजकथा है, विकथा है, उसने रुचि पूर्वक ही उठाया। भगवान जी अब कितनी चीजें कहा है, हम इस मैटर को कल कह चुके हैं, आज हम इसको बिल्कुल नहीं लेने वाले। क्या कह रहा है? अपनी बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने रुचि पूर्वक मां परिणमन ही इसलिए किया है कि आपको उसका रस है। अब यहां बात दो चीज चलती है, एक आसक्ति
रस और दूसरा मान्यता। भाई देखो भाई, अब अज्ञानी के साथ ज्ञानी का भी आपको ऐसा पैटर्न दिख सकता है, कदाचित, कदाचित पक्का नहीं कह रहा, कदाचित ज्ञानी भी थोड़े बहुत समय के लिए आपको, मान लो उसने पेपर उठा लिया, मान लो उसने भी टीवी के सामने आके बैठ गया या उसने मोबाइल चला लिया, वो ज्यादा देर तो नहीं, वो घंटा आधे घंटे के लिए उसने आसक्ति बस, यदि बाहर परिणाम हुआ भी, यदि ज्ञानी हुआ तो ज्ञानी विचार करेगा कि मैंने अपने अपने उपयोग को आप ब्रह्म में तल्लीन कर दिया भैया, मैंने अपनी सत्ता से बाहर अपना इस चारित्र मोहिनी की वजह से मैंने अपने आत्मा का घात किया, उसे क्या बोलते हैं, महा से विचार प्रकट होगा, उसे चिंतन प्रकट होगा, वो चिंतन करेगा, वो विचार करेगा, वो निरंतर भावना भाएगा कि इस परिणाम से मैं कितनी जल्दी हट जाऊं, या फिर संकल्प देगा कि आगामी ये परिणाम नहीं करूंगा। एक अज्ञानी क्या करेगा भैया, अज्ञानी दिन रात उसी में लिप्त रहेगा, दिन रात उन्हीं क्रियाओं करेगा, लेकिन महा से हटने का भाव भी नहीं आएगा उसे, एक क्षण के लिए भी उसे विरक्ति नाम की कोई चीज नहीं आएगी। अज्ञानी ज्ञानी का अंतर है भगवान। चारित्र मोहिनी के नाम पे पाप नहीं किया जाता, चारित्र मोहिनी के नाम पे मोह का पोषण नहीं किया जाता, चारित्र मोहिनी के नाम पे व्यसनों वासना का पोषण नहीं किया जाता, तो फिर चारित्र मोहिनी को भी ललकार के उससे मुक्त हुआ जाता है। तो अपनी चर्चा क्या चल रही है भैया, कि ब्रह्म स्वभाव के अलावा जो कुछ भी वो अब्रह्म है। सही है। अब भैया अपने को तारण स्वामी की बात को स्वीकार करना है कि आवंबम न चावन तप, कि तुम ब्रह्म स्वभाव में चरण करो, आप ब्रह्म में मच करा, तो तारण स्वामी कैसे अभ्यास करें, अभ्यास भी तो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा शुरुआत करो कैसे, विकाह विनस, पहले चार प्रकार की विकथा और सात प्रकार के व्यसन, जिनसे पंच इंद्रियों के भोगों की, अशुभ भोगों की विशेष अनुमोदना होती है, विशेष राग बढ़ता है विकथाओं से और सात व्यसनों से, जो इंद्रिय विषयों के प्रति विशेष राग बढ़ता है, पहले तुम उस मुक्तम, उस गहरी आसक्ति से मुक्त हो गई। अभी तो मन में बुरे विचार चल रहे हैं, अभी इसकी बात नहीं करी उन्होंने, अभी तुम्हारा भैया क्या बोलते संयोग में तुम कैसे रह रहा है, अभी इसकी बात नहीं करी, अभी तुम संयोगों में क्या कर रहा है इसकी बात नहीं करी। उन्होंने कहा अभी पहले विकथाओं से और व्यसन से मुक्त हो, मतलब भैया बुद्धिपूर्वक जिनसे पाप हो रहा है और जिनकी जरूरत नहीं है, अपने टीवी की कोई जरूरत नहीं है, मोबाइल में व्यर्थ व्यर्थ चीजें चलाने की कोई जरूरत नहीं, व्यर्थ पिक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं, व्यर्थ इधर उधर मनोरंजन करने की कोई जरूरत नहीं भैया, जो व्यर्थ है के पहले उसे छोड़ो। क्यों छोड़े भैया व्यर्थ को, क्यों छोड़े हमारे आत्मा, जब तुम व्यर्थ को छोड़ दोगे, जो व्यर्थ है, जब तुम उस व्यर्थ से वेस्टेज से अपना उपयोग, वेस्टेज हो रहा है ना इन व्यर्थ की चर्चाओं में, व्यर्थ की वासनाओं में, टीवी मोबाइल से लेकर हर चीज में, तो कहने लगा जब तुम अपने उपयोग को वेस्टेज होने से बचाओगे तब तुम्हें उपयोग की कीमत समझ में आएगी, उपयोग क्या है, उपयोग क्या है, ये भाव क्या है, जब तुम्हें इस उपयोग की कीमत समझ में आएगी, इस उपयोग की महिमा समझ में आएगी और तुम्हें जानने में आएगा कि भगवान जी ये उपयोग, ये चैतन्य शक्ति क्या है, और फिर जब तुम अपना समय उन अज्ञान मान्यताओं धारणाओं से हटाओगे तब तुम अपना समय स्वसमय शुद्ध आत्मा की स्वीकारता में लगाओगे। और भगवान आत्मा यदि तुम अपना समय विषय वासनाओं में लगा के खत्म कर दोगे तो फिर स्वभाव की स्वीकारता कब करोगे जीवात्मा, स्वभाव के आनंद में कब डूबोगे, वीतराग तत्व की गहरी निष्ठा कब करोगे। अभी चारित मोहिनी की अपेक्षा चर्चा करें, अभी दर्शन मोहिनी की अपेक्षा करें, जी भैया कितने लोग हैं, 68 लोग हैं भगवान जी, इनमें से यदि कोई सौक्षण जीव हुए और हम दर्शन मोहिनी की अपेक्षा चर्चा कर दी और उनने चक्कू उल्टा पकड़ लिया तो बर्बाद ही होंगे बेचारे। लेकिन हमारा काम तो वस्तु स्वरूप क्या है ना, हम तो कह रहे हैं भैया जिन लोगों में थोड़ा कच्चा पानों को लेफ्ट मार जाओ जल्दी जल्दी, देखो देखो भैया आप क्या कह रहा है, अभी देखो गुरु महाराज क्या कह रहा है, आवंबम न चावन तप, आप ब्रह्म को अपन ने चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से कह दिया प्यारी, अब दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से कहो भाई, क्या कहो भैया जी, किसी भी पराई स्त्री को माता बहन मानो, अब बताओ किसी को माँ मान रहा हो, बहन मान रहा है, आप ब्रह्म है या नहीं है भैया, माता बहन जैसा व्यवहार रखो, माँ बहन जैसे परिणाम रखो, ये बात तो सही है,
लेकिन पराई स्त्री को माँ बहन मानो। अरे अपनी माँ बहन को माँ बहन मान रहे हो, ये मिथ्यात है भगवान जी, उनमें राग रख रहे हो, ये मिथ्यात है। ये उन उन, उन, उन राग की धारा चल रही है संयोग में, वो तो सही है, लेकिन उन्हीं में अपना पूरा उपयोग लगा हुआ है, उन्हीं की चिंता में अपना पूरा उपयोग लगा हुआ है। बाहर के भैया बाहर के विकल्पों में ही अपना उपयोग लगा हुआ है। अपनी दृष्टि भैया स्त्री को देख के माँ बहन मान लिया, बहुत अच्छी बात है। परिणामों में व्यवहार तो विकल्पों में परिणामों में व्यवहार तो माता बहन जैसे ही होना चाहिए, लेकिन भगवान जी परिणामों में माँ बहन जैसा व्यवहार है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान आत्मा, लेकिन तुम्हारी दृष्टि तो माँ ही है ना, उन संयोगों पर ही है ना, तुम्हारी दृष्टि तो अभी भी उन पर पदार्थों पर ही है ना, अभी भी परिवार पर ही है ना, अभी भी पुत्र पर ही है ना, अभी भी कुटुंब पर ही है ना, अभी भी लौकिक व्यवहार पर ही है ना। आपकी दृष्टि स्वभाव पे कहाँ गई, आपकी मानता कहाँ पलटी। एक एक स्त्री में भैया माँ की मानता करी, एक स्त्री में बहन की मानता करी, सब स्त्रियों में माँ बहन की मानता करी। भैया अच्छी बात है व्यवहार माँ बहन का, माँ बहन की दृष्टि से देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान आत्मा उनसे हटके स्वभाव की ओर कहाँ पलटे आप। आपकी मानता में ये कहाँ आया कि ये जो संयोग है, ये जो ब्रह्मचर्य का संयोग है, माँ बहन सबको देखना, ये सदाचार है, और इस सदाचार से क्या होगा भैया, मेरे ज्ञान की रक्षा होगी, और इस जब अपने ज्ञान की रक्षा होगी तो अपने ज्ञान की रक्षा, अपने उपयोग की रक्षा किस लिए करी आपने, अपने ज्ञान की रक्षा क्या बहिर्मुख उपयोग रखने के लिए करी है या ब्रह्म स्वभाव में आचरण करने के लिए करी, बताओ। लोग यही मानते हैं भैया, यही कहते हैं भैया हम तो सबको माँ बहन मानते हैं, जो ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं उनकी बात है, आजकल ऐसे जीप भी नहीं है, मुश्किल से 2, 4, 5, 10 मिले तो बहुत बड़ी बात, ऐसे भी नहीं है। तो फिर जो लोग फिर भी जो ऐसा मान रहे हैं कि भाई सब माँ बहन है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा व्यवहार है आपका, सुकौशल व्यवहार है और मोक्ष मार्ग में हितकारी भी है, लेकिन भगवान आत्मा आपकी दृष्टि माँ से पलट के स्वभाव की ओर कहाँ गई, मानता कहाँ बदली आपकी, क्योंकि पर में आपको कुछ भी मानना ही मिथ्या है। व्यवहार की बात नहीं चल रही, लौकिक व्यवहार की बात नहीं चल रही, सदाचार जीवन की बात नहीं चल रही, अब सील की जो बागड़ है उनका पालन तो ब्रह्मचारी करेगा ही, लेकिन भगवान आत्मा बात यह चल रही है कि आप यदि सील की सारी बागड़ पाल रहे हो, लेकिन उसके पहले भैया जी कुशील क्या है ये तो बताओ आप, कुदृष्टि का उत्पन्न होना कुशील है भैया। जहां सील ना रहे, सील कैसे कहते हैं चारित्र को, चारित्र किसका गुण है, आत्मा का। भगवान जी आत्मा में आपकी रमणता है, आत्मा पर दृष्टि है, आपका संयम स्वभाव के लक्ष्य को लेके है या फिर क्रिया को लेके। अच्छा एक ट्रेड बन गया मानो, एक बहुत अच्छा ट्रेड, बहुत अच्छा ट्रेड है कि और जैन धर्म में ये ट्रेड बहुत फेमस है, स्त्रियों की निंदा पराई करो बहुत बड़े विद्वान बन जाओ, बहुत शानदार ट्रेड है ये, और ये ट्रेड चारों तरफ अच्छा भले बेकार से बिक रहा है। तो भगवान आत्मा ये क्या कह रहा है यहाँ, भगवान जी ये सब तो ठीक है, लेकिन आप तो ये बताओ, अभम्बम ना चावंतम, आप ब्रह्म की भावना में ना चकराने के लिए आपका ब्रह्मचर्य लेना उचित है, आप ले रहे हो तो आप भैया दुर्गति नहीं जाओगे, आप स्वर्ग स्वर्ग की यात्रा करोगे, लेकिन भगवान जी मोक्ष की यात्रा करने के लिए आपको आपकी दृष्टि को अपने स्वभाव की ओर लेके आना पड़ेगा, आपको आपकी दृष्टि को स्वभाव की ओर लेके आना पड़ेगा, और आपकी दृष्टि जब स्वभाव की ओर आएगी जब आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाओगे। आप ब्रह्म मतलब सीधी बात है, आप ब्रह्म मतलब क्या भैया, संसार, बस एक शब्द। अपन ने कल भी चर्चा करी थी ना भैया, क्या चर्चा करी थी, जब तक जीव के मन में वासना है तब तक संसार। वासना मतलब क्या होता है भैया, वासना मतलब होता है जब ये आब्रह्म मतलब काम सेवन का नाम वासना नहीं, क्या मतलब भैया, वासना मतलब क्या, कुछ भी चाहने का नाम वासना है, वासना ही संसार। वासना मतलब भैया मन में उपलब्ध होने वाला परिणाम, कैसा परिणाम, कि मुझे कुछ और चाहिए, बस 5 इंद्रिय विषयों के लिए जो मन में लालसा प्रकट होती है उसका नाम आब्रह्म है, वासना। वासना एक संसार का मूल है भैया,
वासना मतलब क्या है? वासना मतलब है भैया निरंतर 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 पर के लिए प्रवृत्ति होना जीव की, निरंतर पर के लिए प्रवृत्ति होना। और ये प्रवृत्ति अनादिकाल से जीव की बनी हुई है भैया। और आज अपन काय की चर्चा कर रहे हैं भैया? आप ब्रह्म में ना चकराने की। तो भैया आप ब्रह्म में ना चकराने के लिए अपन चर्चा कर रहे हैं यहाँ, व्यसनों को और विकथा को त्यागने की अपन बात कर रहे हैं यहाँ। तो भगवान आत्मा पहले बेस तो बता दो, क्योंकि मूल तो वहां आना चाहिए ना। मूल 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 क्या? आप वासनाएं छोड़ना चाहते हो, आप अनंत काल की इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त होना चाहते हो भैया, आप कामनाओं से छूटना चाहते हो। बताओ भगवान जी निष्काम कौन है इस संसार में, इस लोक में निष्काम कौन है? कहले भैया इस पूरे ब्रह्मांड में निष्काम तत्व अपने द्रव स्वभाव है बस, जहां काम प्रकट नहीं होता। एकमात्र अपना चैतन्य में जो वितराग तत्व है ना, आत्मशक्ति है ना, वो निष्काम है, जैसे गुरु माया का ज्ञायक स्वभाव कह रहे हैं। ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लो और फिर ब्रह्मचर्य व्रत लो, ब्रह्मचर्य प्रतिमा लो और ब्रह्मचर्य महाव्रत लो, फिर भैया फिर आपका मुक्ति का मार्ग बनेगा। क्या कह रहा है कि पहले अपने ब्रह्म स्वभाव का आश्रय लो, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इस ब्रह्म स्वभाव का आश्रय लो, इसके साथ ब्रह्मचर्य व्रत लो। अरे ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ब्रह्मचर्याणु अणुव्रत लो, ब्रह्मचर्य प्रतिमा लो। अरे ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं तो ब्रह्मचर्य महाव्रत लो और साधु बन के ब्रह्म स्वभाव में रमण करके तत्काल निर्वाण को प्राप्त करो। इस संसार में रहने योग्य कुछ है ही नहीं, इस संसार में ठहरने योग्य कोई वस्तु है ही नहीं, इस संसार में अपना मानने योग्य कोई वस्तु है ही नहीं, इस संसार में ममत्व करने जैसा कुछ है ही नहीं। इस संसार का ममत्व यही तो वासना है, और ये संसार की जो ममत्व रूप वासना है इसी को तो आप ब्रह्म कह रहे हैं। और जब तक ये आप ब्रह्म आपके मन में है भैया, जब तक तनिक भी वासना है तब तक जीव को मुक्ति नहीं मिलेगी। और वासना को नाश करने का एक उपाय है। क्या उपाय है भैया? क्या उपाय वासना को नाश करने का? एक ही उपाय है क्या? कि आप अपनी ओर ढलो, आपकी प्रवृत्ति बहिरंग से पलटे। देखो भैया जब आपको भी बाहर से पलटेगा ना, तो वो अपने आप ही विषय भोगों को छोड़ के ही आएगा भैया, बिना विषय भोगों को छोड़ के उपयोग अंदर नहीं आ सकता। तो आप उपयोग को अंतर ले आने का लक्ष्य तो बनाओ, विषय और व्यसन और वासनाएं तो अपने आप छूटेंगी। वासनाओं का दूसरा नाम लत, आदत। आपको आदत है ना भैया कि सुबह हम उठ के ऐसा ही करते हैं, और इसके विपरीत कुछ हो जाए तो हमें बर्दाश्त नहीं होता, ये आपकी वासना। बहुत सारी आदतें हैं जीप को, हम रात्रि में ही फरार करके दूध पीते हैं और नहीं मिले तो ऐसा लगता है कि बीमार तो नहीं हो जाएंगे, वासना है आपकी। अब हम यदि यहां गिनाना चालू करें ना, आपको आदत लत संस्कार वासना यदि इनके नाम गिनाने चालू करें ना, तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी नाम गिनाते गिनाते, लेकिन ना हमारा नाम खत्म हो रहा है और ना भैया अपने आदतें सुधर रही। अब भी गिनाना चालू करें तो ना आदतें सुधर रही ना नाम खत्म हो रहा है, लेकिन भगवान आत्मा जीव सुन रहा है ममल स्वभाव की बात, जीव सुन रहा है कमल स्वभाव की बात, और जीवन में बैठा हुआ है इंद्रिय विषयों का राज साम्राज्य, वासनाओं का विषयों का साम्राज्य भी। भगवान जी ये शुभ संस्कार है, यदि इसमें स्वभाव का लक्ष्य है, बिना मंदिर के नहीं रह पाते तो भैया ये शुभ भाव है, ये शुभ वासना। और यदि उसमें अपने कल्याण का लक्ष्य है तो फिर वासनाओं से मुक्ति का मार्ग, लक्ष्य पे काम करेगा भगवान जी। मंदिर तो सभी आते हैं लेकिन मोक्ष सब नहीं जाते, मंदिर तो सभी आते हैं लेकिन मोक्ष सभी नहीं जाते, प्रवचन तो सभी सुनते हैं लेकिन सबको सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता भगवान जी? जब सब एक भैया एक उदाहरण देते हैं, 10 नहीं 100 जीव, चलो 10 ले लो, 100 में हम काउंटेशन करना मुश्किल हो जाएगा, आपके दिमाग को लोड पड़ेगा, 10 ले लो, 10 जीव एक साथ भैया रोज 1 साल तक प्रवचन सुनने आते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ घर से निकलते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ प्रवचन सुनते हैं, एक जैसी चर्चा होती है, लेकिन उनमें से सम्यक्त को प्राप्त करने वाला मात्र एक ही होता है,
क्यों? चिड़िया तो भाई सबने एक जैसी करी, भाव तो सबके एक जैसे हुए, भैया भावना सबकी एक जैसे, कोई एक मिनट भी लेट नहीं आया, भाग भाग के आया करेक्ट, और दसों बैठे एक टाइम पे, बैठे एक टाइम पे, सुना एक टाइम पे, पढ़ा एक टाइम पे, लिखा और एक टाइम पे चले गए। भैया एक को मंदिर आने की वासना तो थी, प्रवचन सुनने की वासना तो थी, लेकिन शुभ रूप थी, समझने की वासना तो थी, लेकिन बुद्धि का विकास करने की वासना थी, स्वलक्ष्य की भावना से होते होते ना, तो सब मंदिर जाने वाले मोक्ष चले जाते भगवान आत्मा। द्रवलिंगी आज जो द्रवलिंगी है, वो द्रवलिंगी जो 11 और 9 पूर्व का पार्टी है, वो केवल ज्ञान का अधिकारी हो जाए, यदि आपकी बात सत्य मान ली जाए तो। द्रवलिंगी केवल ज्ञान का अधिकारी हो जाएगा, मंदिर में रहने वाला माली जो रोज पूजा पाठ करता है वो अधिकारी हो जाएगा मोक्ष। भगवान आत्मा अभिप्राय, अभिप्राय की पकड़, श्रद्धा की पकड़ ये बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ। छह उपशम यानी द्रवलिंगी सब मोक्ष मार्ग के अधिकारी हो जाएंगे, ये सिद्धांत लगा दिया जाए। क्या ये सारे काम भगवान जी, ये मंदिर आना है, सब करना है, ये सब स्वलक्ष्य के कारण होते, ऐसा सिद्धांत बना दो तो आज से सब द्रवलिंगियों के मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे, सारे द्रवलिंगी और सारे क्षयोपशम ज्ञानी सब मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। भगवान आत्मा इतना ही सरल होता ना मोक्ष जाना, तो फिर बात ही क्या थी। तो भैया अपन अपने पॉइंट पे आए, आदत का नाम है वासना। अब भैया मंदिर आने की आदत भी छोड़े क्या हम? हाँ, उसमें सम्यक डालो, स्वाध्याय करने की आदत छोड़ेंगे, प्रवचन सुनने की आदत छोड़ेंगे, हाँ उसमें अपना लक्ष्य में सम्यक डालो, सम्यक डाले मतलब उसमें स्वभाव की प्रगाढ़ता की भावना बढ़ाओ। भगवान जी दिन में 4 बार चर्चा करें, 4 बार करें, शुद्ध आत्मा की भावनाओं में, स्व लक्ष्य की भावनाओं में वृद्धि करो, क्योंकि तुम्हारी भावना ही तुम्हें उस सत्य तक ले जाएगी, नहीं तुम्हें बुद्धि संतुष्ट कर देगी, भैया हम तो आत्मा को जानते हैं, हम तो बहुत सुन रहे हैं, और वो उस प्रकार के भाव नहीं बनेंगे आपके भीतर तत्व को ग्रहण करने के, आप में विनम्रता नहीं आएगी अपने स्वभाव के प्रति, विनय नहीं आएगी, और आपको यदि अपने अंतरात्मा के प्रति विनय नहीं आएगी तो आपका अंतरात्मा जाग के आपको सही रास्ते पर कहीं कभी नहीं ले जाएगा। आपको यदि सही मार्ग पर चलना है, सही रास्ते पर आगे बढ़ना है, तो आपको आपके स्वभाव की विनय चाहिए, आपको आपका अंतरात्मा गुरु ही आगे बढ़ा सकता है, लेकिन वो आपको आगे तब बढ़ाएगा जब आप उसके लिए समर्पण करोगे तब। तो भैया शुभ को त्यागने की बात कर रहे हो क्या? भगवान आत्मा हम तो ये कह रहे हैं शुभ जीव ने कभी घृण ही नहीं किया, फिर शुभ के परिणमन से भिन्न देखने की बात कर रहे हैं हम, भेद ज्ञान की बात कर रहे हैं, शुभ को छोड़ने की बात कर रहे हो क्या? लेकिन पागलपंती की बात मत करो, जो ज्ञानी है वो शुभ को छोड़ने की बात ही नहीं करता, फिर वो ये बात करता है कि शुभ को मैंने ग्रहण ही नहीं किया, लेकिन अज्ञानी के लिए, भैया अज्ञानी तो पापों में लिप्त है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, यदि अज्ञानी पुण्य में भी लीन है तो उसके लिए भी कोई चर्चा नहीं। भैया पहला उपदेश क्या? सम्यक का, पाप छोड़ने का, भैया जैसे पाप की रुचि होगी वो सम्यक का विचार ही क्यों करेगा, उसको तो यहाँ स्थान ही नहीं है। यहाँ तो उनके लिए नो एंट्री का पहले ही बोर्ड है भैया, इनके लिए पापी जिन्हें रुचि है, तो भाई पापी से पापी परमात्मा हुआ, आप नो एंट्री का बोर्ड लगा रहा है, पापी से पापी वो परमात्मा हुए जिन्होंने पाप की रुचि को छोड़ा, जिनके जीवन से पाप की रुचि खत्म हुई, पाप तो परिणमन में हो सकता है लेकिन पाप की रुचि जो छोड़ता है उसको कल्याण होता है भैया, उसका मोक्ष मार्ग बनता है। जो पर को उपाधि मानना छोड़ता है, पर में एकत्व की भावना छोड़ता है, पर में अपनत्व की भावना छोड़ता है, पर के एकत्व अपनत्व की आशक्ति से जो भिन्न होता है वो वासनाओं से मुक्त होता है। हम नब्बे अली आपको कहा था ना, निष्काम मात्र एक ही है गायब का, निष्प्रय मात्र एक ही है अपना वीतक का, निशंक मात्र एक ही है अपने ध्रुव स्वभाव। अब भगवान जी आप जब उसकी निष्ठा जगाओगे तो आपके कल्याण का मार्ग शुरू होगा भैया, और नहीं तो आप मंत्र जपने लगो ओम ब्रह्मचर धर्म नमा, ओम ब्रह्मचर धर्म नमा, भाई कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि ब्रह्मचर
व्रत आपको धारण करना पड़ेगा तो आप ब्रह्मचारी कहलाओगे। और ब्रह्मचर्य व्रत के पीछे धारण करने के पीछे आपको ब्रह्म स्वभाव में रमणता का अभिप्राय बनाना पड़ेगा तो आपका ब्रह्मचर्य सम्यक्त कहलाएगा। तो वो बात याद रखना भगवान, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना पड़ेगा तो आप ब्रह्मचारी कहलाओगे और ब्रह्म स्वभाव में रमणता का लक्ष्य रखना पड़ेगा तो आपका ब्रह्मचर्य व्रत सम्यक्त कहलाएगा। और यदि भैया आपने यदि सम्यक को छोड़ के स्वरूप को छोड़ के अंतर चतुष्टय को छोड़ के यदि आपने सिर्फ बाहर की ओर जोड़ दिया तो फिर आप ब्रह्मचारी तो कहलाओगे लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं कहलाओगे। और सम्यक दृष्टि ना होने के कारण आपका ब्रह्मचर्य आपको स्वर्ग तक जरूर लेके जाएगा, नरकों में नहीं ले जाएगा। लेकिन भैया ये बात भी याद रखो कि नरकों में नहीं ले जाएगा, आपको स्वर्गों में ले जाएगा। लेकिन भैया उन स्वर्गों में जाके भी आपको लौट के वापस आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा भैया, क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि भगवान आत्मा सम्यक दर्शन के बिना संसार नहीं छूटता। और भैया आजकल के ब्रह्मचारियों की तो बात ही अलग, टीवी मोबाइल और भोजन की आसक्ति, जसना इंद्री की लोलुपता और वी कथाओं और पेपर। आजकल के भैया आजकल के साधक तो टीवी भी देखते हैं, मोबाइल तो चलाते ही हैं, मोबाइल हम भी चला रहे हैं भैया, लेकिन उपयोग सदुपयोग, और पेपर भी पढ़ते हैं और दिन रात भोजन की चिंता में डूबे रहते हैं। तो भैया ऐसे ब्रह्मचारियों को तो ब्रह्मचारी भी नहीं कह सकते, ऐसे ब्रह्मचारियों को तो ब्रह्मचारी भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारी को कम से कम अशुभ का तो पूर्णता से परिणाम से भी त्याग होना चाहिए। याद रखना भैया, अरे ब्रह्मचर्य व्रत लिया है आपने और आपके परिणाम से अशुभ का त्याग नहीं है तो भगवान स्वर्ग नहीं बन रहा, ब्रह्मचर्य व्रत की विराधना हो रही है। और नियम से नरक जाओगे, बाहर का व्रत नरक का कारण बने। अब ये बात सुनाओ तो पसीने आते हैं लोगों को। भैया हम एक तो हमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, ऊपर से आपका नरक जाओगे, 100% जाओगे। क्यों? कि ब्रह्मचर्य व्रत की विराधना कर रहा है आप। ब्रह्मचारी बाहर से भी वो जिसके उपयोग में अशुभ परिणाम और परमन ना आए, और आए तो वो उनके साथ बहे ना, वो उस अशुभ का परित्याग करके और तत्की ओर नहीं जा रहा तो कम से कम अपने व्रत की मर्यादा की ओर तो रहे। यदि व्रत की मर्यादा तोड़ रहे हो तो भगवान जी नर्क का गेट खुल रहा है, नर्क का। इसलिए भगवान आत्मा भैया निश्चय व्यवहार और आचरण, अभी आज जो चर्चा हो रही है तीनों को लेके हो रही, चारित्र मोहिनी को लेके भी करिए, श्रद्धा को लेके भी करिए, और भैया क्या बोलते हैं आचरण को लेके भी करिए, व्यवहार। तीनों बात कह रहा है भगवान जी, किसी को नहीं छोड़ रहा है, कोई सब पहलू छोड़ रहा है, अपन दर्शन ज्ञान और चारित्र समन्वय लेके चलना है। भगवान आत्मा यहाँ बात तो अपने तत्व का लक्ष्य बनाने की है ना। आप ब्रह्म से छूटने का एक उपाय क्या भैया, क्या उपाय आप ब्रह्म से छूटने का एक उपाय क्या? बाहर से ब्रह्मचर्य व्रत ले लो और अंतर से ब्रह्म स्वभाव की श्रद्धा कर लो, बहुत अच्छा उपाय है। और भैया अभी ब्रह्मचर्य व्रत नहीं ले पा रहा है तो शुरुआत करो क्या कि अंतर से ब्रह्म स्वभाव की श्रद्धा करके ब्रह्म स्वभाव में रति बढ़ाओ, ब्रह्म स्वभाव की रुचि बढ़ाओ, और जो मन में विकता और व्यसन के परिणाम है इनसे पूर्णतः मुक्त हो जाओ। क्योंकि यदि विकता और व्यसन आपके जीवन में रहेंगे, विकथा मतलब चार विकथा आपको अच्छे से वक्त सुनाई थी कल, व्यसन भी आपको सात होकर अच्छे से नाम याद है, हम बिल्कुल नहीं कर रहे उनकी चर्चा, बस ये कह रहा है कि जब तक इनका किसी भी निमित्त से पोषण, चार लोगों के बीच में बैठ के इनकी चर्चा कर रहे हो, चाहे मोबाइल से, चाहे टीवी से, चाहे फेसबुक से, चाहे इंस्टाग्राम से, इनमें से किसी भी चीज से यदि इन दोनों चीजों का पोषण है तो भैया आपको उस पोषण को अपने जीवन से अलग करना, मुक्तम उन आसक्ति से आपको मुक्त होना है भैया। अब चाहे आपको इसके लिए दुनिया छोड़नी पड़े, मतलब दुनिया आपकी दुनिया क्या है, जीव की दुनिया क्या है, उनके दोस्त, उनकी रुचि जाए जिसमें, यदि किसी को टीवी देखने की रुचि है तो उसकी दुनिया टीवी है, किसी को भैया जिस चीज की रुचि है उसकी दुनिया वहीं तक है, वही चीज रुचती है वो वहीं तक रहता है। तो आपको आपकी दुनिया छोड़नी पड़े, मतलब आपको आपकी लत छोड़नी पड़े भैया। शुरुआत तो करो भगवान जी, किसने म्यूट खोला, कौन है जी?
चलिए, जीवन में दृष्टि में परिवर्तन का नाम भैया साधना है। बस इतनी सी बात है कि आप भैया, आप में यदि सील है, आप में यदि संयम है, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतनी बात है भैया, निमित्तों से बचना, तो आप बचो ना भगवान जी, कोसने से थोड़े ना कोई निमित्त से कोई बचा जा सकता। आप बचो ना, आप अपनी संभाल करो ना, आप अपनी रुचि बदलो ना भैया। जीव को अपनी रुचि का विश्वास, जीव अपनी रुचि को बदलना नहीं चाहता। देखो अनादि से जीव की आदत है भैया, दूसरे में दोष दोषारोपण करो, घर में भी, पुत्र में भी, परिवार में भी, अपन क्या करते हैं, कोई अपनी गलती नहीं मानना चाहता। सब कहते हैं दूसरे पे दोष दोषारोपण करो, और भगवान जी अपन बच्चा, इसकी गलती, इसकी गलती, इसकी गलती, निमित्त को देख के निमित्त की गलती कह दी भाई। भगवान आत्मा कभी अपनी रुचि को भी तो देखो भगवान आत्मा, कि निमित्त अकेला मात्र करता नहीं है, और निमित्त तो कभी करता ही नहीं है। निमित्त अकेले से सब काम नहीं हो रहा है, निमित्त तो सामने है, लेकिन भगवान जी आपकी रुचि आपको परिणमन करा रही है। अपन कितने बार कह चुके इस सिद्धांत, अपन कितने बार रोज ही कहते हैं ये बात। अपन क्या क्या कहते हैं भैया, अपन रोज कि भगवान आत्मा आप देखो, जीव का परिणमन कहाँ, जीव का परिणमन कर्मधारा में नहीं होता। बहुत अच्छे सुनो, सिद्धांत लिख लो अपनी दीवारों में, गूंथ लो बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, पेंट पेंटर से बुलवा के लिखवा लेना भैया। क्या जीव का परिणमन कर्मधारा के अनुसार नहीं होता भैया? जीव का परिणमन किस अनुसार होता है? जीव का परिणमन उसकी रुचि के अनुसार होता है। जीव का परिणमन ना भाव के अनुसार होता है, ना कर्मधारा के अनुसार होता है। भाव के अनुसार और कर्मधारा के अनुसार जीव का जो परिणमन देखते हैं वो अज्ञान दृष्टि वाले जीव है। जीव के अंदर में जो मिथ्या आते हैं उस अनुसार जीव का परिणमन होता है, या जीव के अंदर सम्यक है उस अनुसार जीव का परिणमन होता है। जीव का परिणमन अपनी रुचि अनुगामी होता है भैया। रुचि अनुगामी पुरुषार्थ है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसी जीव की रुचि है वैसा जीव परिणमित कर रहा है, उसका परिणमन उसकी रुचि है भैया। यदि आपको आपके वीतराग स्वभाव की, ब्रह्म स्वभाव की रुचि है, तो आपका परिणमन आपके स्वभाव के अनुरूप होगा भैया। यदि भैया आपको स्वयं रुचि नहीं है, तो भैया आपको कोई भी तथ्य की ओर ढाल सकता नहीं। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्म स्वभाव की चर्या बना। ब्रह्म स्वभाव की चर्या किसकी बनेगी भैया? जिसको अपनी रुचि बढ़ेगी उसको, जिसको ब्रह्म स्वभाव इष्ट लगेगा उसको, जिसको ब्रह्म ही ब्रह्म, शुद्धि शुद्ध, मुक्ति मुक्त, में ममले ममल स्वभाव भैया, जिसको अपनी सुध आएगी उसको भैया। अपनी सुध आ नहीं रही, अब आप दूसरे को कोसते रहो, कुछ नहीं होने वाला किसी के लिए। देखो भैया, कोई किसी के लिए बंधन नहीं। हम देखो अपन रोज क्या चर्चा करते हैं, कोई किसी के लिए बंधन नहीं है भैया। अपनी मान्यता अपने लिए बंधन है। यदि आप किसी स्त्री को अपनी बहन मान के उसके मोह में फंसे रहो, तो भी आप ब्रह्म है और आप संसार के पात्र, कोई बड़ी बात नहीं है भैया। किसी को अपनी पत्नी मान के इस संसार में फंसे रहो, इसका नाम अकेला आप ब्रह्म नहीं है। किसी को अपनी बहन मान के इस संसार में फंसे रहो, इसका नाम भी आप ब्रह्म ही है। क्यों? क्योंकि मान्यता मिथ्यात है, और जब तक मिथ्यात है जब तक संसार। तो भी क्या करें, बहन मानना छोड़ दें क्या? अरे माता बहन के अलावा किसी स्त्री को कुछ देखो ही मत, ये तो लोकाचार है, ये तो क्या बोलते हैं, ये तो व्यवहार है भैया। सबके सबके प्रति माँ बहन की दृष्टि, ये तो अपने लौकिक आचरण है। और यदि ऐसा लौकिक आचरण भी आपका नहीं है, तो फिर आप मोक्ष मार्ग की चर्चा सुनने के लायक ही नहीं, आप यहाँ बैठने के लायक ही नहीं। यदि आपको पर स्त्री में माँ बहन नहीं दिखाई दे रही, आपके मन में विकृत परिणाम है, तो फिर आप वीतराग धर्म की चर्चा सुनने लायक नहीं हो। आप यहाँ आए क्यों? आपको निमंत्रण किसने दिया? आप यहाँ से जाइए भैया। फिर यहाँ किसके लिए चर्चा है भैया? किसकी चर्चा चल रही है यहाँ? तो उनके लिए चर्चा चल रही है जो आत्म तत्व की रुचि ला कर बैठे हैं। उनको तो गुरुदेव तारायण स्वामी कह रहे हैं आवंबम नाशवंता। जीवात्मा जो संस्कार है ना, जो आदत है ना, जो आपकी लत है ना, जो आपको लत है व्यसनों की, वासनाओं की, आप उस लत से विरक्त हो। आप अपनी आदत को तोड़ो, आप अपने संस्कारों को तोड़ो। जब आप अपने संस्कारों को तोड़ोगे, तो आप ब्रह्म से छूटोगे भैया। आप ब्रह्म से छूटने के लिए आपको अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। अब भगवान आत्मा जो अपनी दृष्टि बदलता है, उसके जीवन से ये व्यसन और विकथाएं चले जाते हैं। क्योंकि भैया देखो, जैसे अपने उपयोग की कदर आएगी ना, उपयोग चैतन्य लक्षण में उपयोग, मेरा आत्मा
चेतन लक्षण में शुद्ध उपयोग से अलंकृत है भैया, जिसे अपने उपयोग में विशुद्धि का बोध होगा ना। यारे भगवान जी देखो, इन व्यसनों और वासनाओं से हमारी आत्मा मलिन हो रही है भैया। पूरी साधना में आत्मा की चर्चा है, ये शरीर की चर्चा ही नहीं है, शरीर चर्या की चर्चा ही नहीं। जिसको ये भाव आएगा कि अरे इन विकथाओं और व्यसनों से मेरी आत्मा मलिन हो रही है, जिसे आत्मा की सुरक्षा का भाव आएगा कि मेरा उपयोग मलिन हो रहा है, वो तो भैया वो आसक्ति को तोड़ेगा, वो अपनी दृष्टि बदलेगा और वो अपनी आत्मा के ममल स्वभाव पे, अपने ब्रह्म स्वभाव पे दृष्टि करके अनादि काल के लिए ब्रह्मचारी हो जाएगा। और भैया अपन तो खुला ही कहते हैं ना, छह द्रव्य स्वभाव से, अरे छहों के छह द्रव्य बचपन से, अरे जब से है तब से, बचपन जवानी दिन में होते नहीं, अनादि से छह द्रव्य बाल ब्रह्मचारी है। लेकिन भगवान आत्मा, अब तू मूल दृष्टि जीव, तेरी दृष्टि ब्रह्म स्वभाव पे नहीं है, तेरी दृष्टि द्रव स्वभाव पे नहीं है, तेरी दृष्टि तेरी चेतना पे नहीं है, तो तू दुनिया को दोष क्यों दे रहा है भगवान आत्मा? यहाँ तो अपनी सुधार करने की बात है, समाज बदलो, समाज के लोगों को बदलो, समाज में बच्चों को बदलो, सब समाज में बच्चों को संस्कार दो, अच्छी बात है ये सब, लेकिन ये लौकिक चर्चा है। अपन यहाँ आध्यात्मिक बात करने के लिए बैठे, और आध्यात्मिक बात करने बैठोगे तो एक ही बात कहेंगे, अपनी दृष्टि को बदलो, तुम देखी क्यों रहा है। सामाजिक चर्चा अपन सामाजिक मीटिंग के विषय में लेंगे भाई, तारण स्वामी की गाथा चल रही है, आध्यात्मिक चर्चा, तत्व को ग्रहण करने की चर्चा, तो अभी तो अपनी बनाओ। देखो भैया, जब भी आभ्रम की बात होती है ना, तो अपन समाज की बात लेके बढ़ जाते, समाज को बदलो, स्त्रियों को बदलो, उनके पहनावे को बदलो, सब अपन बाहर की बात करने बैठ जाते। लेकिन भगवान आत्मा हमेशा दूसरों का विकल्प, लेकिन भगवान जी कभी अपने आप को बदलो, अपनी दृष्टि को बदलो, अपने उपयोग को बदलो, अपने स्वभाव की ओर देखो, अपने तत्व की ओर देखो, कभी अपने को बदलने का उपाय करते हैं अपन? कहते तो ये है भैया, अपन बदलेंगे तो युग बदलेगा, अपनी दृष्टि बदलेगी तो समाज बदलेगा, आज अपन सुधरेंगे तो सब सुधरेंगे। लेकिन भगवान जी कोई भी अपने को बदलने का प्रयास नहीं करता, पूरी दुनिया को बदलने के लिए सब तैयार। अब करवा लो भैया इन्हें ब्रह्मचर्य, आप ब्रह्म की भावना से मुक्त करा लो भैया। आप ब्रह्म की भावना से मुक्त कैसे हुआ जा सकता भैया, जब आपके जीवन में सत्य का बोध, जब आपको भौतिकता सत्य ना लगे, जब तक इंद्रिय विषय, भौतिक संपदा, पुण्य पाप की सामग्री, जब तक ये भौतिक संपदा आपको अपना भोग लगेगी, तब तक आप ब्रह्म से नहीं छूट सकते। और जैसे जैसे विलासता में कमी आएगी, ये भौतिक विलास से आपका उपयोग घटेगा और तत्व चिंतन और आत्ममनन की आपकी रुचि लगेगी, तो भगवान आत्मा ऑटोमेटिकली आप ब्रह्म की भावनाओं का नाश हो जाएगा। अपने उपयोग को पलटो भगवान जी, तो आपके अंदर में वो शाश्वत शक्ति का बोध होगा कि आप ही भैया वो वितराग तत्व आपके अंदर में है, वो ही परम ब्रह्म है, और उसको पूर्ण स्वभाव को स्वीकार करोगे तो भैया आज जो राग आदि परिणाम हो रहे हैं, जिनके निमित्त से अपन पर को कुदृष्टि से देख रहा है, आज अपने अंदर में जो मिथ्यात का परिणाम हो रहा है, जिसकी वजह से अपन पर को कुदृष्टि से देख रहे हैं। अच्छा बताओ, अपन किसी को कुदृष्टि से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अपने मन में इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं उत्पन्न हो रही है भैया। तो भगवान आत्मा आप अपने मन को ही बदल लो ना, आप अपने अंदर में जो विकार है उन विकारों को छोड़ दो ना। कैसे छोड़ दें भैया विकार से? विकार कैसे छोड़ दें भगवान जी? विकार छोड़ो कैसे छोड़े भैया? आपको आपके उपयोग की निर्मलता, आपको आपके क्या बोलते हैं ब्रह्म स्वभाव की रुचि, या फिर आपको आपकी सात्विकता का बोध आए भैया? अपन तो आत्मा है, इन विकार भाव को करके कुदृष्टि से पर को देख के नर्क गमन करना अपना स्वभाव नहीं है भैया। पर को कुदृष्टि से देख के, पर स्त्री को कुदृष्टि से देख के, पर पर्याय को कुदृष्टि से देख के, पर इंद्रिय भौतिक विषयों को कुदृष्टि से देख के अपने को दुर्गति नहीं जाना। जब अपन स्वयं ये निर्णय कर लेंगे भैया कि अपने को दुर्गति नहीं जाना, तो बस अपने को अपनी अंतरात्मा का बोध आएगा। और जब अपन ही अंदर से मन के विचार नहीं बदलेंगे, तो जीवन भर निर्णय करते रहो, कभी दृष्टि नहीं बदलेगी। दृष्टि बदलने के लिए आपको अपने मनोभाव को बदलना पड़ेगा भैया, और मनोभाव तब बदलाएगा जब आप सम्यक चिंतन करोगे, वस्तु स्वभाव का चिंतन करोगे भैया, तत्व का चिंतन करोगे। जैसे जैसे तत्व का चिंतन होगा, वैसे वैसे मनोभाव बदलाएंगे। तो भगवान आत्मा यहाँ आचार्य तारण स्वामी आवम्बम ना चावंतम, आप ब्रह्म की भावनाओं में मत चकराओ, ऐसा कह रहे हैं।
तो भैया अब्रह्म की भावनाओं में ना चकराने के लिए क्या क्या त्याग करने हैं? शुरुआत करनी है कैसे? कहना विकथा, चार प्रकार की विकथाओं का अपने जीवन से संपूर्ण त्याग कर। चार लोगों के बीच में बैठो या कहीं भी बैठो, लेकिन भाई विकथा का त्याग करो भैया। क्या करे भैया? अब आप कुछ और करो, विकथा का त्याग करो भैया। विकथा के त्याग के बिना तो जीवन ही ऐसा लगेगा जैसे कि मर गए हो। क्यों? फिर चार लोगों के बीच में क्या बात करेंगे? समाज व्यवहार खत्म हो जाएगा, लोग व्यवहार खत्म हो जाएगा। तो भगवान जी यही तो बात चल रही है कि आज इस जीव ने लोक व्यवहार, समाज व्यवहार, वासनाओं को बना दिया, व्यर्थ चर्चा को बना दिया। इसी को तो खत्म करना, तभी तो समाज बदलेगा। देखो भैया बहुत गुण सी बात है भैया, यदि हम भी कथाएं करना छोड़ देंगे तो हमारा रिश्तेदारों से संबंध टूट जाएगा, हमारा समाज से संबंध टूट जाएगा, हमारा लोगों से संबंध टूट जाएगा, हमारा मित्रों से संबंध टूट जाएगा। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा संबंध विकथाओं से, विकथा अधर्म का मूल है, मतलब तुमने इस संसार से, इस समाज से, इन लोगों से संबंध अधर्म से जोड़ रखा। अब जिस संबंध की निव ही अधर्म हो, जिस संबंध का निव ही व्यसन हो, वासना हो, अधर्म हो, अब आपकी निव में ही वो है क्या? अधर्म। अब आप उस समाज को सुधारने की कल्पना कैसे करोगे? सत्संग करो, तत्व चर्चा करो, कल्याण की बातें करो भगवान आत्मा, लेकिन भाई हो ही नहीं सकती। अब यही तो है, हो ही नहीं सकती, हम कर ही नहीं सकते, सामने वाला सुनेगा ही नहीं, लोग धर्मात्मा कह के भागेंगे। भगवान आत्मा बस ये देखो ना, अपनी खुद की परिणति सिद्ध कर रही है। क्या सिद्ध कर रही है? कि भैया अपना खुद का उन विकथाओं का ऐसा रस है कि अपन उनके बिना अपन नहीं जी सकते, और भैया अपने को इस लोक में व्यवहार चलाना है तो भैया अपने को ये करना ही पड़ेगा। इसी का नाम तो भैया, अभी अपन कह रहे थे वासनाएं नहीं है भैया, हमारे अंदर कोई वासना नहीं, ये भी तो वासना ही, ये भी तो अधर्म का पक्ष है, ये भी तो अज्ञान का पक्ष है कि भाई भी कथा के बिना समाज नहीं, भी तक भी कथा के बिना मित्र नहीं है, भी कथा के बिना भैया परिवार नहीं है, करेंगे क्या? कहना क्यों? क्योंकि भैया ना हमें तथ्य की रुचि और ना हमारे सहयोग में तथ्य की रुचि। देखो कर्मदेय रूप प्रणमन की मना नहीं कर रहे हम, फिर से बोल दे रहे हम, आप घर में रह रहे हो तो भोजन भी बनाना पड़ेगा, दुकान भी जाना पड़ेगा, लोगों से बात भी करनी पड़ेगी, उसे कथा नहीं कहते। यदि मैंने आपसे पूछा भैया 2 रुपए हैं आपकी जेब में, आपने कहा है, इसे भी कथा नहीं कहते? कथा इसे नहीं कहते कि आपने भोजन बनाया, मैंने पूछा खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, आपने कहते नहीं भैया मीठा है, खट्टा अच्छा बना, नहीं भैया नमक कम हो गया, इसे भी कथा नहीं कहते? मुझे दुकान जाना, मैं जाऊं क्या, आपने कहते हाँ जाओ, इसे भी कथा नहीं कहते? ये सामान्य लौकिक व्यवहार है, इसे भी कथा नहीं कह रहे हो? किसे कह रहा है? किसे कह रहा है? चलिए किसे कह रहा है? नाम नहीं पूछ रहा है, ये कथा किसे कह रहा है? अरे भगवान जी, बस जिसकी जरूरत नहीं है कि यहाँ क्या हुआ था, वहां क्या हुआ था, दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, भोजन में क्या बनना है, कल क्या बनना है, परसों क्या होना है, जो व्यर्थ की चर्चा है, अवक्ष की चर्चा है, अनाचार की चर्चा है, व्यर्थ की टीवी है, व्यर्थ का मोबाइल है, व्यर्थ का पेपर है, इसे कह रहे हैं अभी ये जाए अभी जीवन से भगवान। और अपन इन व्यर्थ से लोगों से जुड़े हुए, काम की चर्चा सबसे करी जाती है, परिणाम ने कर्म को दे भैया, लेकिन वो चर्चा करने वाला भी मैं नहीं हूँ, घर में रहने वाला भी नहीं हूँ मैं नहीं हूँ, ये मान्यता अंतर की है। बाहर में घर छोड़ के भागना थोड़ी ना, बाहर में दुकान छोड़ के भागना थोड़ी ना, ये मान्यता अंतर में है कि ये जो बोलने चलने फिरने का, लोगों के बीच में बैठने का व्यवहार हो रहा है, ये सब मेरा परिणाम नहीं है, मैं तो ज्ञान तत्व भगवान आत्मा, ये अंतर की बात है। लेकिन भैया इस अंतर की बात के साथ जो व्यर्थ चर्चाएं हैं आपके जीवन में, उनका त्याग करने की बात चल रही है। भैया शुरुआत तो करो, क्या कैसी शुरुआत करें भैया? अधर्म से आपके रिश्ते हैं सारे संसार के, उन्हें धर्म में परिवर्तित तो करो, मतलब जब व्यर्थ की चर्चा हो तब ये तो अंतर में चिंतन करो क्या ये व्यर्थ की चर्चा अनंत कर्म आश्रव कारण है, और देखो इससे भिन्न मेरा गायक तत्व है, ये आशक्ति परिणाम है और मुझे इससे छूटना है। अपनी प्रवृत्ति को, अपनी दृष्टि को अंतर की ओर मोड़ना प्रारंभ तो करो जीवात्मा, तो अब्रह्म छूटे। तो
आप हम ना चावन तम, गुरुदेव कह रहे हैं आप ब्रह्म में मत चकराओ। तो गुरु क्यों कैसे ना चकराए, पहले विकाह, पहले विकथाओं का रस छूटे, विकथा करने का जो रस है ना दिन रात, पहले वो विकथा करने का रस छूटे। और विसनस, फिर जो इंद्री विषय है ना भैया, जो व्यसन है, सात प्रकार के व्यसन, इन व्यसनों की चर्चा जहां हो रही हो, उस चर्चा से, उस चर्या से अपना रस हटे, और अपन उस चर्चा से, उस चर्या से हटे भैया। पहले धीरे धीरे अपन अपनी मान्यता तो बदले, धीरे धीरे अपन अपना राग तो बदले। नहीं देखो भी कथा और व्यसन का राग शुभ राग है, अशुभ राग? इसलिए बोला भी कथा और व्यसन का रस शुभ राग है, अशुभ? तो पहले अशुभ राग तो छोड़ो भैया। भगवान जी जब तो आत्म परमात्मा की बात समझ में आएगी, पहले जो अपने जीवन में अशुभ राग है, अशुभ की छोड़ने की बात कर रहे हैं ना, सबकी चर्चा ही नहीं करी अब तो। पहले भी कथा और व्यसनों से, जो टीवी मोबाइल आदि के माध्यम से, चार लोगों के बीच में गप्पे के माध्यम से हंस हंस के जो अपन अशुभ राग को बढ़ा रहे हैं, भगवान आत्मा पहले अशुभ राग को तो छोड़ने का भाव बनाओ भाई। हमने पाठ कर लिया भैया, पाठ कर लिया और बाहर जाके निंदा करी तो अशुभ थोड़े छूटा भगवान जी भैया। हम तो मंदिर आ गए, मंदिर आ गए और बाहर मायाचारी करी, छल करा, कपट करा, झूठ बोला, दुकान व्यापार में भैया लोभ लोभ और स्वार्थ के लिए मायाचारी करी, झूठ बोला, असत्य बोला, अब मिथ्या अभिप्राय रखे, भगवान जी अशुभ थोड़े छूट गया। देखो हम कईयों बार ये बात कह चुके, आज फिर रिपीट कर रहे हैं, जैनों ने क्या समझ लिया है कि हम जिनवाणी के दर्शन कराए और जिनवाणी ने हमें आज्ञा दे दी, जाओ अब खुले व्यसन करो, अब झूठ बोलो, मायाचारी करो। हमने जिनवाणी के दर्शन कर लिए मतलब हम मुक्त हो गए पाप करने के लिए। रियलिटी ये है 100%, आप यहाँ के दर्शन के बाद इतने निश्चिंत हो जाते हो कि घर में जाके क्या करते हो कुछ नहीं पता आपको, निंदा चुगली बुलाई, कहाँ की कथा क्या देखते हो, क्या बोलते हो, कुछ होश नहीं है। और ये 100% सत्य है भगवान जी। और जब तक ये सत्य है ना आपके जीवन में, तब तक आप परम सत्य, आप इस तत्व को कभी ग्रहण नहीं कर पाओ। शुभ क्रियाओं का पक्ष करने वाले यही मरे जाते हैं कि भैया भैया हम तो स्वभाव के लक्ष्य कर रहे हैं। अरे भगवान जी, स्वभाव के लक्ष्य वालों के लक्षण अलग होते हैं, उनकी रुचि अलग होती है, उनके अंदर बहुमान अलग होता है, उनके जीवन का परिवर्तन, अमूल चूल परिवर्तन अलग होता है, उन्हें कुछ भी छोड़ने में एक सेकंड नहीं लगता। अरे भैया जी, रुचि 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 रुचि, और यहाँ पर रुचि की चर्चा करना है। यदि आपकी रुचि आत्म तत्व की है तो धीरे धीरे आपके जीवन से ये सारा राग कम होना चाहिए, अशुभ राग कम होना चाहिए, अज्ञानता का राग कम होना चाहिए, सब कसायों का पक्ष छूटना चाहिए। और भैया आपकी रुचि यदि आत्मा की नहीं है तो भैया अशुभ का रस बढ़ता जाए, राग का रस बढ़ता जाएगा भाई, मोह का रस बढ़ता जाएगा। जिन अपने को पता है कि ये सारे परिणाम अपने को नरक ले जाएंगे, लेकिन भैया देखो देखो कितना खतरनाक है जीव को, देखो देखो मालूम है कि नरकों में तीन लोग का भोजन करने की भूख होगी और भोजन करने के लिए एक तण भी नहीं मिलेगा भैया। और असुर असुर देव नारकी जीव आपस में मारेंगे, ताड़ेंगे, विदारेंगे, असैनी महा के असैनी वेदना को सहन करना पड़ेगा भैया। ये मालूम है, देखो ये मालूम है जीव को, जैन धर्म मिला है ना, तत्व चर्चा सुनी है ना, मालूम है कि ये सब सहन करना पड़ेगा। देखो लेकिन फिर भी देखो इसकी परिणति, देखो इसकी परिणति फिर भी वासनाओं की ओर ही भग रही है, विकथाओं की ओर ही भग रही है, व्यसनों की ओर ही भग रही है। पता है कि यही गति मिलेगी, उसके बाद भी देखो मूर्छा ऐसे कहते हैं, पता है, सुन रहा है, समझ रहा है कि हमें आगामी गति यही मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी रुचि में ही लगी, मां से निकलने की भावना नहीं होती। इसे कहते हैं भैया मिथ्या का प्रभाव, गहरा प्रभाव। इसे कहते हैं विपरीत मान्यता, इसे कहते हैं अनंत काल से अज्ञान के संस्कार, जानते समझते हुए भी कुएं में कूद रहा, जानते समझते हुए भी व्यर्थ में, जिसकी जरूरत नहीं है, विकथाओं की कोई जरूरत नहीं जीव को, दो शब्दों में सबके काम हो रहे हैं, इधर उधर की चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन जान मूझ के कुएं में कूद रहा है। टीवी मोबाइल में व्यर्थ चीज देखने की कोई जरूरत नहीं है भैया, लेकिन जान मूझ के पता है अशुभ का आश्रय होगा, उसके बाद ही मैं कूद रहा है भैया। अब जब तक रुचि बुद्धिपूर्वक अज्ञानता का पोषण करने की चल रही है, अब इस जीव को कैसे बताओ कि आबम्बम ना चावंतम, आप ब्रह्म मचक रहा भैया, क्यों?
क्योंकि आप ब्रह्म में चकराओगे नर्क जाओगे, वो कहेगा भाई हमें तो पहले ही मालूम है कि हम नर्क जाएंगे, हमें डर ही नहीं। और यदि यहाँ एक सुई चुप जाए तो पसीने आ जाए, और नर्क जाने का भय नहीं है भैया जी। ये क्या है, ये जीव की परिणति भैया। कैसी परिणति है? अज्ञान मोह में अंधी, वैसे विषय वासनाओं में अंधी, कर्तत्व भोक्तत्व में अंधी, ये जीव की परिणति है। और जब तक जीव की परिणति इस प्रकार से परिणमन कर रही है, जब तक जीव आप ब्रह्म से मुक्त नहीं हो सकता। देखो इस समय हो चला है, हम इस चर्चा को कल भी हमने छोड़ा था, आज भी हम इस चर्चा छोड़ रहे हैं यहीं की यहीं। अब ये देखो एक दो दिन और करेंगे बस इसका, था फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। गुरु महाराज की इस बात को अपन समझने का अभ्यास करें भैया। आभम्बम ना चावंता, आप ब्रह्म की भावना में नहीं चकराओ। विकाह विकथा विस्नस साध व्यसन विषय, इनसे जो विषय की संतुष्टि होती है या इनके जो निमित्त हैं, मुक्तम चा, इनसे मुक्त हो जाओ। गुरु महाराज मुक्त होने का उपाय ज्ञान सहावम सुसमयम, भैया अपना स्वभाव ज्ञान स्वभाव है भैया, आत्मा ज्ञानमय है। ज्ञान सहाव सुसमयम, उस ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लेके सुसमयम अपने स्व समय में आचरण करो भैया। स्व समय परमात्मा, अपना जो अंतरात्मा है उस स्व समय में आचरण करो। समयम सहकार भैया, अपने स्व समय का सहकार करोगे, शुद्ध आत्मा स्व समय में परमात्मा ध्रुव सत्ता का सहकार करोगे। ममल अन्मोयम भैया, ध्रुव स्वभाव के सहकार से ही ममल अन्मोयम, ममल स्वभाव की रमणता प्रकट होगी भैया। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं अपने वीतराग स्वभाव में रमण करने का। तो भैया जिन जीवों को वीतराग स्वभाव में रमण करना है, उनके लिए तारण स्वामी का उपदेश कि आप ब्रह्म में मत चकरा, और जिन्हें नहीं करना भैया उनके लिए संसार तो जैसा का तैसा है। तो भैया जिन जीवों का कल्याण का मार्ग बनना भैया, वह जीव सदगुरुदेव की इस अमृतमय वाणी को ग्रहण करके अपने कल्याण का मार्ग बनाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य विभव सदगुरु संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज। शुद्ध जिन देशना की जय हो, ज्ञान स्वभाव की जय हो, मेरे वितराग स्वभाव की जय हो, मेरे ममल स्वभाव की जय हो। जय नमोस्तु। नमियों से